हेलो लर्नर्स, वेलकम टू एजुकेशनल चैनल। इस एजुकेशनल चैनल पर मैं आप लोगों को NTA UGC नेट पेपर 2 एजुकेशन सब्जेक्ट की हर एक यूनिट इन डिटेल्स में पढ़ाती हूँ। आज हम लोग यूनिट 9 सेक्शन बी की अकॉर्डिंग ट्रांजैक्शनल थ्योरी एंड ट्रांसफॉर्मेशनल थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रांसफॉर्मेशनल थ्योरी के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले जानेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशनल थ्योरी क्या है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, और हर एक पार्ट को हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशनल थ्योरी एनहेंस करती है हर एक एम्प्लॉय की मोटिवेशन को, मॉरली सपोर्ट करती है, और जॉब परफॉर्मेंस को एनहेंस करने के लिए मदद करती है, ठीक है, किसका, फॉलोअर्स का, थ्रू वेरियस वे, डिफरेंट वे में। ये सभी मोटिवेशन, मॉरली एनहेंस करना, मोटिवेट करना, जॉब परफॉर्मेंस पर मोटिवेशन देना, और जॉब परफॉर्मेंस को एनहेंस करने का भी काम करती है ये ट्रांसफॉर्मेशनल थ्योरी, ठीक है। बीइंग अ रोल मॉडल, ये काम करती है एक रोल मॉडल की तरह। द लीडर इंस्पायर, यहाँ पर जो भी मोटिवेशन देना होती है या फिर जॉब परफॉर्मेंस के लिए एनहेंस करनी होती है, ये सभी चीज़ जो हमारी लीडर होती है वो इंस्पायर करती है हर एक फॉलोअर्स को, एंड मेक्स देम इंटरेस्टेड, और उनको इंटरेस्टिंग बनाती है हर एक काम को, कि वो सभी फॉलोअर्स इंटरेस्टेड वे में हर एक काम को पूरा कर सके। देखना, जब हम लोग किसी भी काम करना हो या फिर पढ़ाई करना हो, उसमें जब तक इंटरेस्टेड नहीं होंगे तो वो पढ़ाई भी नहीं होती है ठीक तरीके से, वो काम भी नहीं होती है। अगर आप उस वर्क में या फिर स्टडी में इंटरेस्टेड हो, तभी वो आप अच्छे से करोगे, अच्छे से परफॉर्मेंस देंगे, राइट। यहाँ पर लीडर की यही कोशिश रहती है कि हर एक वर्कर इंटरेस्ट से हर एक काम कर सके। इट प्रोवाइड्स चैलेंजेस टू द फॉलोअर्स टू ग्रेटर ओनरशिप फॉर देयर वर्क। तो यहाँ पर एक ओनरशिप के लिए भी यहाँ पर मोटिवेशन दिया जाता है कि वो लोग खुद के काम खुद करें मोटिवेशन के साथ। द लीडर अंडरस्टैंड द स्ट्रेंथ, यहाँ पर लीडर समझने की कोशिश करता है कि फॉलोअर्स की या फिर वर्कर्स की स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, ठीक है। अब उस हिसाब से लीडर यहाँ पर वर्कर के लिए जो भी काम है उसको अलाइन करता है। जैसे कि अगर मान लीजिए इसको अगर हम लोग एजुकेशन के साथ रिलेट करेंगे तो क्या होगा, सपोज कोई भी एक स्टूडेंट्स है, ठीक है, उस स्टूडेंट्स की वीकनेस को देखेगा, ठीक है, टीचर वीकनेस को देखेगा। वीकनेस को देखने के बाद वो स्टूडेंट की जो स्ट्रेंथनेस है, कौन से सब्जेक्ट में वो स्ट्रेंथ है, उसको देखेगा। तो अब स्ट्रेंथनेस के हिसाब से वो करिकुलम सेटअप करेगा, और कहाँ पर वीक है और क्यों वीक है उसको देखते हुए भी जो करिकुलम है वो सेटअप करेगा। ठीक वैसे ही यहाँ पर जो भी लीडर है, वो लीडर हर एक वर्कर्स की स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को देखते हुए टास्क को यहाँ पर सेटअप करती है, ठीक है, हर एक वर्कर के लिए। अब देखो कुछ एलिमेंट्स, इंडिविजुअल कंसिडरेशन, यहाँ पर इंडिविजुअल कंसिडरेशन का मतलब इंडिविजुअल की नीड्स को देखा जाएगा। जैसे कि हम लोग करिकुलम को जब सेटअप करते एज ए टीचर, तब क्या करेंगे बताओ, करिकुलम को सेटअप करने के लिए हमें पहला देखना होगा कि हमारी लर्नर्स क्या नीड है, ठीक है, लर्नर्स की नीड्स को, लर्नर्स की इंटरेस्ट को देखेंगे। सिर्फ वे नहीं, लर्नर्स की स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस को देखना भी होगा। जैसे कि पहले स्लाइड्स पर हम लोग यही स्टडी किया था कि स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को देखते हुए हर एक परफॉर्मेंस एंड टास्क को सेटअप करना। तो यहाँ पर इंडिविजुअल के ऊपर फोकस किया जाएगा कि हर एक इंडिविजुअल का, जैसे कि हर एक फॉलोअर्स की, वर्कर्स की नीड्स क्या है, इंटरेस्ट क्या है, उस हिसाब से परफॉर्मेंस को या फिर टास्क को यहाँ पर सेटअप किया जाएगा। एक्ट एज ए मेंटर और कोच टू द फॉलोअर्स, मतलब एक लीडर जो यहाँ पर होगा, यहाँ पर लीडर का काम होगा ऐसे कोच हर एक फॉलोअर्स के लिए ट्रीट करना, ठीक है। द लीडर प्रोवाइड सजेशन, यहाँ पर लीडर क्या करेगा, सजेशन प्रोवाइड करेगा, एडवाइस करेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये एक कोच की तरह काम करेगा, एक मेंटर की तरह काम करेगा, ठीक है, कि कभी भी ऑर्डर नहीं देगा,
हमेशा एडवाइस देगा, सजेशन देगा, ऐसा सजेशन कि जिसके थ्रू वो खुद की परफॉर्मेंस को, मतलब जो वर्कर्स है, वर्कर्स खुद की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सके। नेक्स्ट हम लोग समझेंगे इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन, जहाँ पर लीडर इनकरेज करेगा हर एक फॉलोअर्स की इनोवेशन को, क्रिएटिविटी को, ठीक है। अगर कोई न्यू इनोवेशन करने की कोशिश कर रही है वर्कर्स, तो उसको और भी ज़्यादा मोटिवेट किया जा सके, इसके ऊपर ध्यान देगा, दैट मीन्स इनकरेज करेगा। और यही इनकरेज न्यू आइडिया को यहाँ पर एनहेंस करने के लिए बहुत ही ज़्यादा मदद करती है। सो हर एक फॉलोअर्स की न्यू आइडिया को यहाँ पर इनकरेज करेगा, यहाँ पर किसी भी चीज़ को क्रिटिसाइज नहीं करेगा पब्लिकली। सपोज कीजिए कोई काम करने के समय पर कोई मिस्टेक्स हो गई है, ठीक है, हम लोग इंसान हैं, मिस्टेक्स होंगे हर एक काम पर। तो उस मिस्टेक्स के लिए सभी के सामने उसको क्रिटिसाइज करना, उसको किसी भी चीज़ों के लिए छोटा दिखाना, ये सब चीज़ ना करे, ठीक है, उसको अलग से समझाए। तो यहाँ पर पब्लिकली क्रिटिसाइज उसको कभी भी नहीं करेगा एक लीडर। लीडर फोकस करेगा कि व्हाट्स रॉन्ग इन द प्रॉब्लम, क्यों प्रॉब्लम हुई है, ठीक है, क्या प्रॉब्लम है, एंड डू नॉट फोकस ऑन द ब्लेमिंग द पार्ट ऑफ इट। तो यहाँ पर ब्लेम मत कीजिए किसी को, अगर प्रॉब्लम हुई है तो क्यों प्रॉब्लम हुई है, यहाँ पर उसको आइडेंटिफाई कीजिए, उसको फोकस कीजिए। नेक्स्ट है इंस्पिरेशनल मोटिवेशन, यहाँ पर हर एक काम करेगा मोटिवेशन देगा, हर एक ऐसा स्टेटमेंट प्रोवाइड करेगा जिसके थ्रू हर एक वर्कर्स, हर एक फॉलोअर्स मोटिवेट हो सके। सो द लीडर आर्टिकुलेट्स अ विजन दैट अपीलिंग एंड इंस्पायरिंग टू द फॉलोअर्स, मतलब ऐसा कुछ विजन प्रोवाइड करेगा, ऐसा कुछ एम्स प्रोवाइड करेगा जिसके थ्रू हर एक वर्कर्स इंस्पायर हो सके, खुद की काम को वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वे में कर सके। लीडर इंस्पायर करेगा डिफरेंट टाइप ऑफ चैलेंजेस को, ठीक है, देखना जब हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स देते हैं, डिफिकल्ट या कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, तो जो भी स्टूडेंट्स होती है वो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है कि कैसे वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगी। तो उसके सामने ऐसा चैलेंजेस दो जो कि इंटरेस्टेड हो, वो उस चैलेंजेस को यहाँ पर एक्सेप्ट करके उसको पूरा कर सके, इस टाइप की मोटिवेशन यहाँ पर देना होगा। उनके कंफर्ट जोन से यहाँ पर बाहर आके उनको कुछ करना होगा, तभी उनकी जो मन की डर है वो दूर हो सकेंगे, ठीक है। कम्युनिकेट करना होगा फ्यूचर गोल के लिए, यहाँ पर हर एक काम की एक मीनिंगफुल टास्क प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। द फॉलोअर्स आर विलिंग टू इन्वेस्ट मोर एफर्ट इन देयर टास्क एज दे आर इनकरेज, मतलब यहाँ पर हर एक फॉलोअर्स यहाँ पर कोशिश करेगा कि उनकी जो भी बेस्ट परफॉर्मेंस है वो दे सके, ठीक है। हम लोग हमेशा कहते हैं ट्राइंग टू योर बेस्ट, आपकी बेस्ट को दो, ठीक है, जितना हो सके आपके लिए, जितना 100% हो सके वो आप हर एक काम पर देंगे। तो यहाँ पर वही चीज़ बोला जा रहा है कि उनकी जो भी विलिंग पावर है, उस विलिंग पावर से वो खुद की जो भी बेस्ट एफर्ट है उसको दे सके हर एक काम पर, उसके लिए उनको एनकरेज किया जाएगा, ठीक है। उसकी एबिलिटीज़ के ऊपर, मतलब हर एक इंसान की कुछ ना कुछ एबिलिटीज़ होती है, सो खुद की एबिलिटीज़ के ऊपर यहाँ पर बिलीव करना ज़रूरी है। नेक्स्ट है आइडियलिस्ट इन्फ्लुएंस, द लीडर एक्ट एज ए रोल मॉडल, मैंने पहले ही कहा था यहाँ पर जो लीडर होगा वो एक रोल मॉडल की तरह काम करेगा। इफ द लीडर गिव्स अ रिस्पेक्ट एंड एनकरेज अदर्स टू बी बेटर, दोज इन्फ्लुएंस विल देन गो टू अदर्स एंड रिपीट द पॉजिटिव बिहेवियर। अगर लीडर पॉजिटिव बिहेवियर के साथ आपको रिस्पेक्ट दे रही है, आप वर्कर हो, आप एम्प्लॉय हो, आपको रिस्पेक्ट मिल रहा है लीडर के, मतलब लीडर से, ठीक है, आपको इनकरेज मिल रहा है लीडर से, तो आप क्या करोगी, आप उस इनकरेजमेंट को देखते हुए कि एक लीडर मुझे इनकरेज कर रहा है, एक रिस्पेक्ट दे रहा है, तो लीडर की हर एक एक्सपेक्टेशन को हमें फुलफिल करना है, ठीक है। तो उस एक्सपेक्टेशन को देखते हुए आप भी पॉजिटिव बिहेवियर को करोगे, आप भी उन लीडर की बिहेवियर से इन्फ्लुएंस होंगे, ठीक है। अब हम लोग कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे। सो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ईगो को यहाँ पर चेक करो, क्योंकि आप लीडर हो, मैं क्यों रिस्पेक्ट दूँ, वर्कर्स मुझे रिस्पेक्ट देगा, तो ये सभी ईगो को यहाँ पर
नहीं रखना चाहिए, ठीक है? आप रिस्पेक्ट देंगे तभी आपकी वर्कर्स भी आपको रिस्पेक्ट देंगे। आपको यहाँ पर हमेशा वर्कर्स को इनकरेज करना है, हर एक स्टेप्स में, हर एक स्टेजेस में इनकरेज करना है। आपकी वर्कर्स की जो भी नीड्स है उसको देखना है, तभी आपकी वर्कर्स आपकी एक्सपेक्टेशन के ऊपर खड़े उतरेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर क्या होना होगा, यहाँ पर इस ईगो को यहाँ पर दूर हटाना होगा। आप खुद को मैनेज करो, खुद की जो भी ईगो है उसको अगर आप रिड्यूस कर दोगे तो आप खुद को सेल्फ मैनेज कर सकोगे। एबिलिटी होना चाहिए, जो भी रिस्क कम होती है वो रिस्क कम राइट भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप रॉन्ग रिस्क कर रहे हो, ठीक है? ऐसा रिस्क कर रहे हो कि जिसके थ्रू आपकी कंपनी डूब जाएगा, ऐसा मत करो। कि यहाँ पर ऐसा काम करो, ऐसा रिस्क लो जिसके थ्रू आपकी कंपनी को बहुत ही ज्यादा फायदा होगा, ठीक है? सो यहाँ पर राइट रिस्क को यहाँ पर लेना होगा, मतलब मैंने जो कहा था आपकी जो शील है उसको ब्रेक डाउन करना होगा, आपकी कंफर्ट जोन से आपको बाहर आना है। मेक डिफिकल्ट डिसीजन, कुछ डिफिकल्ट डिसीजन लो। देखो रिस्क से आपकी डिफिकल्ट डिसीजन होती है, आप रिस्क कम लेंगे तभी आप कुछ डिसीजन ले पाएंगे, ठीक है? शेयर कलेक्टिव ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्शियसनेस, तो यहाँ पर आपको ईगो को यहाँ पर हटाना है, सेल्फ मैनेज करना है, रिस्क काम लेना है, ऑब्वियसली राइट रिस्क करना है, आपको डिफिकल्ट डिसीजन भी लेना है। दैट मीन्स क्या है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर आपको कॉन्शियसनेस होना होगा, ठीक है? अटेंशन देना होगा, इंस्पायर करना होगा सभी को, अडेप्ट करना होगा हर एक चेंजिंग सिचुएशन को, और प्रोएक्टिव काम करना होगा। क्लियर? अब देखो और भी बहुत सारी पॉइंट्स है, जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने बताया है उन सभी को यहाँ पर मैंने डिटेल्स में डिस्कस किया, कि जो भी हमारी ईगोज है, ठीक है, उसको यहाँ पर हटाना होगा। ईगो को अब हमें टेक ओवर करना है, ठीक है? हमारी जो पोजीशन ऑफ पावर है उसको हमें सही से यूज करना है, ना तो हम लोग किसी को डोमिनेट करेंगे। यहाँ पर हमें उस पावर मिला है उस पोजीशन की, तो हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पर एनकरेज करना होगा। ट्रांसफॉर्मेशनल जो लीडरशिप होती है, यहाँ पर आप किसी को ब्लेम नहीं करोगे, यहाँ पर किसी मिस्टेक के लिए कि सभी के सामने आप क्रिटिसाइज करके उस इंसान को छोटा नहीं दिखाओगे, ठीक है? आप उसको एनकरेज करोगे, अगर प्रॉब्लम हो रही है तो क्या प्रॉब्लम हो रही है उसके ऊपर फोकस करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर ईगो को आपको क्या करना होगा, चेक करना होगा। सेल्फ मैनेजमेंट, सेल्फ मैनेजमेंट का मतलब क्या होती है कि आपको खुद को मैनेज करना। ईगो को यहाँ पर अगर आप चेक करोगे तभी आप खुद को सेल्फ मैनेज कर सकते हो। कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर डू नॉट नीड मच डायरेक्शन फ्रॉम अदर्स एंड आर एबल टू मैनेज देमसेल्फ वेल। मतलब जो वर्कर्स है, वर्कर्स को खुद को मैनेज करना होगा। दे आर ऑल्सो हाई इंटरनली मोटिवेटेड, उनको हमेशा मोटिवेशन दो, ठीक है? दे यूज दिस मोटिवेशन टू डायरेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब आप डायरेक्शन मत दो, ठीक है, कि ये काम करो वो काम करो, अगर डायरेक्शन दोगे तो वो इम्पोज हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशनल पर इम्पोज नहीं करना है, डायरेक्शन नहीं देना है, आपको गाइड करना है सिर्फ। तो आप ऐसा मोटिवेशन देंगे कि उस मोटिवेशन के थ्रू खुद वर्कर्स खुद को डायरेक्ट कर सकेंगे, ठीक है? तो इसको ही हम क्या कहते हैं, सेल्फ मैनेजमेंट कहते हैं। नेक्स्ट है एबिलिटी टू द रेट सॉरी एबिलिटी टू टेक द राइट रिस्क। मतलब आपको राइट रिस्क लेना है, जैसे कि इसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर का, कि यहाँ पर जो भी आप लोग रिस्क लेंगे वो राइट होना चाहिए, ठीक है? इंस्टिंक्ट होना चाहिए, आपके ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए, ठीक है? यूज द इंटेलिजेंस, गैदर द टीम मेंबर्स टू मेक इन्फॉर्म डिसीजन। मतलब सभी मेंबर्स को एक साथ मिलाकर एक डिसीजन लो कि हम लोग जो रिस्क ले रहे हैं वो सही है या गलत है। अ ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स टीम इज राइट बिहाइंड देम एंड इज एवर विलिंग टू डू रिसर्च दैट इज नेसेसरी इवेल्युएट द सिचुएशन अप्रोप्रिएटली। मतलब अगर आप सोच रहे हो कि इस सिचुएशन पर एक काम करना चाहिए मगर वो काम बहुत ही रिस्की है, तो उसके ऊपर क्या करेंगे, सभी मेंबर्स को यहाँ पर एक साथ बुलाएंगे, ठीक है? अब उनके उन सभी मेंबर्स क्या करेंगे, जो सिचुएशन है उसके ऊपर कुछ रिसर्च करेंगे, उसे इवेल्युएट करेंगे एंड देन डिसीजन लेंगे, तो वो हमारे लिए एक राइट डिसीजन हो जाएगा जो कि आपकी फैसिलिटी को ग्रोथ करेगा, ठीक है? अब डिफिकल्ट डिसीजन, अब एक बहुत ही रिस्क काम ले रही हो तो डिसीजन भी डिफिकल्ट होगा,
तो देखो, बींग अ लीडर डू नॉट ऑलवेज अ स्मूथ से सेलिंग, मतलब यहाँ पर मैं हल्का फुल्का एक डिसीजन ले लेती हूँ, ठीक है, एवरेज होगा, ये नहीं होगा, ठीक है, एवरेज डिसीजन से एवरेज काम ही होती है, आपको एवरेज जो परफॉर्मेंस है वही देखने को मिलेगा। हाई परफॉर्मेंस की अगर आप आशा कर रहे हो तो एवरेज डिसीजन, एवरेज काम, एवरेज परफॉर्मेंस से आपकी कंपनी या फिर आपकी ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ नहीं करेगा, राइट? सो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर डू नॉट शाई अवे फ्रॉम डिफिकल्ट डिसीजन। सो डिफिकल्ट डिसीजन से आप शाई मत करो, ठीक है? दे मेक देयर डिसीजन विद अ क्लियर फोकस, आपकी क्लियर फोकस से आपको डिसीजन लेना है। आप सोच रहे हो कि मैं ये काम करूंगी तो मेरी कंपनी हाई पर चले जाएगी, टॉप पर चले जाएगा, ठीक है, मगर उस हाई पर या फिर टॉप पर जाने के लिए जो डिसीजन लेना जरूरी है, वो डिसीजन आप जस्ट इमेजिन कर रहे हो, ठीक है, जैसे कि एक फेयरी टेल्स की तरह है, ऐसे मत करो। आपको यहाँ पर क्लियर वे में आपको रियलिटी को देखते हुए आपको डिसीजन लेना होगा, ऑर्गेनाइजेशन की गोल्स, विजन, वैल्यूज एंड ऑब्जेक्टिव की अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्या है, देखिए, शेयर कलेक्टिव ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्शियसनेस, मतलब यहाँ पर इस ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप पर आपको शेयर करना होगा, समझना होगा किसको, तो फर्स्ट ऑफ ऑल शेयर एंड समझना होगा, मगर किसको समझेंगे, कॉन्शियसनेस को, मतलब ऑर्गेनाइजेशन की, आपकी होल ऑर्गेनाइजेशन की जो भी कॉन्शियसनेस है उसको समझते हुए उसको शेयर करना होगा। दिस मेक देम द पर्टिकुलर अटेंड टू द फीलिंग ऑफ देयर टीम मेंबर, तो इसके थ्रू आप क्या समझेंगे, हर एक टीम मेंबर को फीलिंग को समझना होगा, उनको एक क्लियर आइडिया देना होगा कि आप क्या चाहते हो, आपकी डिजायरनेस क्या है, उस डिजायरनेस के हिसाब से आपको कुछ एक्शन करना होगा, राइट? तो यही है आपकी ऑर्गेनाइजेशन की कॉन्शियसनेस। अब इंस्पिरेशनल, राइट? इंस्पिरेशन तो मैं पहले से ही कर रही हूँ कि मोटिवेशन देना होगा, इंस्पायर करना होगा, तभी क्या होगा, उस इंस्पिरेशन से, उस मोटिवेशन से हर एक वर्कर खुद को सेल्फ मैनेज कर सकेंगे, खुद को डायरेक्ट कर सकेंगे। वही चीज है कि इंस्पायर करना होगा हर एक लीडर को उनकी वर्कर्स के लिए। अब उस मोटिवेशन की जो एबिलिटी होगा वो लीडर के अंदर, लीडर की बिहेवियर में होना चाहिए, और जब ये एबिलिटी होगा तब हर एक वर्कर भी इस मोटिवेशन से क्या होगा, इन्फ्लुएंस होगा, वो खुद को, खुद की काम अच्छे से कर सकेंगे, ठीक है। अब देखो, एंटरटेन द न्यू आइडियाज, जो भी न्यू आइडियाज अगर कोई वर्कर्स बोल रही है कि सर ये काम करेंगे तो हमारी कंपनी के लिए अच्छा होगा, सो अगर उसी कोई न्यू आइडिया दे रही है सो उस न्यू आइडिया को एनकरेज करो, ठीक है, मोटिवेट दो, जिसके थ्रू और भी क्रिएटिव आइडिया बाहर आ सके। और यहाँ पर एजुकेशन के साथ कैसे रिलेट करेंगे आप लोग, अगर कोई स्टूडेंट्स बोल रही है कि इस टाइप की रिसर्च करेंगे या फिर इस टाइप की कुछ कंसेप्ट बता रही है खुद की क्रिएटिविटी से, या फिर कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है खुद की क्रिएटिविटी से, तो उस क्रिएटिविटी को और भी ज़्यादा इनकरेज करना होगा, ठीक है। यहाँ पर इसके थ्रू क्या होगा कि उनकी जो न्यू आइडिया है वो बहुत ज़्यादा पेन होगा, ठीक है, उनकी ग्रोथ होगा, और ये पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो इसके थ्रू और एक चीज होती है, इनसाइटफुलनेस बहुत ज्यादा ग्रो होती है, एडेप्टेबिलिटी, मतलब हमारी ऑर्गेनाइजेशन को कंस्टेंट चेंज करना चाहिए, क्योंकि चेंज मैनेजमेंट पर हम लोग ये स्टडी किए थे कि चेंज अगर होगा तो यहाँ पर डरने की बात नहीं है, अगर चेंज नहीं होती है तो डरने की बात है, ठीक है। तो वही चीज है कि चेंज होना चाहिए हर एक ऑर्गेनाइजेशन की, तो उस चेंज को यहाँ पर एक्सेप्ट भी करना है, चेंज को समझना है, समझने के बाद जो ट्रेनिंग है उस ट्रेनिंग को लेना है, अब ट्रेनिंग को लेने के बाद आपको उसको एडजस्ट करना है, ठीक है, उस चेंजेस को इम्प्लीमेंट भी करना है, तो चेंजेस के हिसाब से क्या करना होगा, आपको एडजस्ट करना होगा, न्यू सिचुएशन में एडजस्ट करना होगा, वहाँ पर क्रिएटिविटी को देखना होगा, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट है प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव का मतलब क्या होती है, दिस लीडर्स आर प्रोएक्टिव इन देयर अप्रोच, दिस लीडर टेक रिस्क एंड टेक एन एक्टिव रोल इन ग्रोइंग द ऑर्गेनाइजेशन। सो ऑर्गेनाइजेशन को ग्रोथ करने के लिए पहले से कुछ एक्टिविटीज को सोचना होगा, रिस्क आपको पहले से लेना होगा, ठीक
ठीक है, अगर आप रिस्क लेंगे तो ही आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ग्रोथ होगा, और वो रिस्क राइट रिस्क होना चाहिए। लीड विद विजन, मतलब आपकी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन का कुछ ना कुछ गोल्स होती है, उस गोल्स को आपको अचीव करना है। वो आपकी कम्युनिकेशन के थ्रू भी हो सकती है। तो यहाँ पर आप इंस्पायर करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे, एक साथ कुछ डिसीजन लेंगे, तभी आपकी ऑर्गेनाइजेशन की जो गोल्स है वो भी फुलफिल होगा। नेक्स्ट है एक्सेप्शनल पीपल स्किल्स, मतलब कुछ एक्सेप्शनल स्किल्स भी होना चाहिए, जैसे कि हीरोइक, विगोरियस, डिसाइव, इवन कैरिस्मेटिक, ठीक है। ये सभी एक कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स होती है, जिसके थ्रू आपकी जो भी एम्प्लॉयज है उस एम्प्लॉयज को मोटिवेशन मिल सके, ठीक है। सो एक लीडर के अंदर ये सभी कैरेक्टरिस्टिक्स अगर होगा तो वो लीडर बहुत ही अच्छा वे से, एक अच्छे तरीके से मोटिवेट कर सकेंगे, इंस्पायर कर सकेंगे, जो आपकी एम्प्लॉय के लिए भी अच्छी होगी और ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी अच्छा होगा, ठीक है। जैसे कि महात्मा गांधी एक ग्रेट एग्जाम्पल है हमारी ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप के लिए, ठीक है, क्योंकि उनके अंदर जो कैरिस्मेटिक्स, जो लीडरशिप था, क्वालिटी था, वो सभी को इंस्पायर कर रही थी। तो यहाँ पर आपके अंदर एक ऐसा क्वालिटी होना चाहिए जिसके थ्रू आप हर एक किसी को इंस्पायर कर सको। हर कोई एम्प्लॉय सोचे कि मैं सर, मतलब सर या फिर मैडम की तरह फ्यूचर में होंगी, तो जिसके थ्रू सभी मुझे मानकर चलेगा, या फिर जो आप कह रहे हो, जो आप बोल रहे हो, उसके थ्रू सभी सोचेगा कि हाँ, मैडम की बात में या फिर सर की बात में ये दम है, ये अगर हम लोग करेंगे तो सच्ची में हमारी ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ होगा। तो ये जो इन्फ्लुएंस है आपकी बातों में, आपकी काम में, आपके एटीट्यूड में, जो इंस्पिरेशन है, वो सभी को अगर इन्फ्लुएंस करेगा तो यहाँ पर आप मानना होगा कि हाँ, आपकी लीडरशिप में कुछ ना कुछ क्वालिटी तो है, ठीक है, जो कि हमारी महात्मा गांधी में भी था। अब कुछ एडवांटेज पढ़ेंगे। तो देखिए, फर्स्ट है एक्सेप्शनल पीपल स्किल अगर होगा तो इंस्पायर होगा, ये हम लोग अभी अभी स्टडी किए। नेक्स्ट है पावर टर्न ओवर कॉस्ट, दैट मीन्स वन एडवांटेज ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टाइल इज द मैनेजर एबिलिटी टू रिटेन एम्प्लॉय एंड कस्टमर। मतलब आपके अंदर ऐसा क्वालिटी है जिसके थ्रू आप हर एक कस्टमर को रिटेन कर सको, ठीक है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ आप लोगों को। सपोज कीजिए आप के पास एक दुकान है, ठीक है, आप दुकान के वो मालिक हो, और अब पहली बार जो कस्टमर आई, सो आप कोशिश करोगे वो कस्टमर दूसरे दुकान में ना जाके जब भी आती है तब भी आपकी दुकान से ही वो माल खरीदेंगे, ठीक है। तो इसको हम कस्टमर रिटेन कहते हैं। तो इस कस्टमर रिटेन की एबिलिटी भी आपके अंदर होना चाहिए, और जो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप पर होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप एम्प्लॉयज की नीड्स को देखते हो, जो कि एक गुड है, ठीक है, आप ऑर्गेनाइजेशनल नीड को भी इसके साथ साथ देखते हो। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, लेस टर्नओवर मींस अगर आपकी टर्नओवर पावरफुल नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि आपकी जो कस्टमर है वो रिटेन नहीं होगा, और ये तभी हो सकती है जब आपके पास ट्रेनिंग ना हो। तो आपके पास एक अच्छा खासा ट्रेनिंग होना भी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है रेस्पॉन्सिव टू चेंज, आप एक लीडर हो, तो आपको यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन की नीड को जैसा देखना होगा वैसे आप एम्प्लॉय की नीड को भी देखते हो, तब नीड के हिसाब से आपको ऑर्गेनाइजेशन में चेंज भी लेके आना है। ये नहीं कि सालों साल वही रूल्स, वही वैल्यूज चल रही है, आप उसको मेंटेन कर रहे हो, नहीं, आपको कुछ ना कुछ चेंज लेके आना होगा। अगर चेंज लाएंगे तो भी आप सोसाइटी से एडजस्ट करके चल सकेंगे, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट आएगा। सो इसके लिए क्या करना जरूरी है, चेंज करना जरूरी है, और ये ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर के लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि वो नीड्स को देखते हैं, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशनल नीड हो, चाहे वो हमारी एम्प्लॉयज की नीड्स हो, ठीक है। तो नीड्स को जब देखते हैं तो चेंज भी ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर लेके आते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, ओके। और उस चेंजेस के लिए ट्रेनिंग देते हैं, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप की और एक जो हम लोग कैरेक्टरिस्टिक स्टडी किए थे कि एडेप्टेबिलिटी, जो चेंजेस आएगा तो एडेप्ट भी करेंगे, उसके लिए ट्रेनिंग भी जरूरी है, इंस्पायर इंस्पायर एंड मोटिवेशन भी जरूरी है।
ओके, नेक्स्ट हम लोग समझेंगे बेटर आउटकम्स फ्रॉम द कोऑपरेट लर्निंग। अगर सभी एम्प्लॉय कोऑपरेट के साथ काम करेंगे तो आउटकम भी अच्छा होगा। ऐसा नहीं कि मेरी का मैं खुद कर लूंगी, दूसरे वर्कर्स की जरूरत नहीं है। ऐसे अगर कंपटीशन चलते रहेंगी रॉन्ग वे में तो कंपनी कभी भी ग्रोथ नहीं करेगा। हर एक इंसान की जरूरत होती है, जैसे कि हमारी एजुकेशन सेक्टर पर सिर्फ टीचर्स और स्टूडेंट्स काम नहीं करेगा, वापस टीचर्स स्टूडेंट्स नॉन टीचिंग स्टाफ, हर एक जो एम्प्लॉय होती है, हर एक एम्प्लॉय का जरूरत होती है। तभी कोऑपरेटिवली वो लोग काम करते हैं, तभी हमारी एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ करेगा। ठीक वैसे ही हर एक सेक्टर में कोऑपरेशन लर्निंग की जरूरत होती है, तभी वो ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी ग्रोथ करेगा। नेक्स्ट क्या है, क्रिटिसिज्म है। देयर इज ऑल्सो कंट्रोवर्सी रिगार्डिंग द क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रेड्स इंटू इनेंट एंड एक्वरेबल ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होती है कि अगर क्रिटिसिज्म को देखेंगे कि तो यहाँ पर जो लीडर होती है उनके अंदर कुछ इनेंट क्वालिटीज भी होती है। तो वो इनेंट क्वालिटीज क्या करती है, थोड़ा सा इन्फ्लुएंस कर जाती है। और ठीक है, सो एज पर क्रिटिसाइज ऑलमोस्ट ऑल ट्रेड्स टू सम एक्सटेंट एंड नेचर गिफ्टेड। मतलब कुछ ऐसा भी नेचर होती है लीडर की जो कि इनेंट होती है, वो पहले से ही खुद के अंदर होती है। ठीक है, ये उतना ज्यादा एक्यूरेबल भी नहीं है। इट इज ऑल्सो डिफिकल्ट टू एक्यूरेट मेजर द डिग्री ऑफ मेनी ट्रेड्स, क्योंकि वो पहले से खुद के अंदर कुछ ट्रेड्स है तो उसको मेजर करना यहाँ पर इम्पॉसिबल हो जाती है। ये हम लोग डिसएडवांटेज स्टडी कर रहे हैं, क्रिटिसिज्म का मतलब होती है डिसएडवांटेज। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर लैक ऑफ साइंटिफिक बेस है, क्योंकि खुद के अंदर, जैसे कि हम लोग यहाँ पर स्टडी किए थे कि महात्मा गांधी के अंदर कुछ ऐसा क्वालिटीज है जो कि सभी को इन्फ्लुएंस कर जाते हैं, तो उनके अंदर कुछ इनेंट क्वालिटीज था पहले से। ठीक है, वो तभी कोई ट्रेनिंग सेंटर नहीं था पहले की ट्रेनिंग क्लासेस में महात्मा गांधी ज्वाइन किया, कुछ लीडरशिप की क्वालिटी सीख के देन एक लीडर बने, नहीं, उनके अंदर पहले से कुछ क्वालिटीज था जो कि इन्फ्लुएंस कर गई है ना। ठीक वैसे ही कुछ इनेंट क्वालिटीज होती है सो उसको मेजर करना इम्पॉसिबल होती है, और ये साइंटिफिक बेसिस के ऊपर बेस्ड नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग समझेंगे ट्रांजैक्शनल थ्योरी को। ट्रांजैक्शनल थ्योरी क्या है, इसको हम मैनेजेरियल लीडरशिप के नाम से भी जानते हैं। तो ट्रांजैक्शनल लीडर का और एक नाम क्या है, मैनेजेरियल। एक होती है ट्रांसफॉर्मेशनल, जो अभी अभी हम लोग स्टडी किए, अभी हम लोग स्टडी कर रहे हैं कि ट्रांजैक्शनल थ्योरी क्या होती है, जिसको हम मैनेजेरियल लीडर भी कहते हैं। यहाँ पर फोकस किया जाता है सुपरविजन को, ऑर्गेनाइजेशन की और ग्रुप परफॉर्मेंस को। ठीक है, तो यहाँ पर लीडर का काम क्या होती है, एज अ सुपरवाइज करना ऑर्गेनाइजेशन में और ग्रुप परफॉर्मेंस के ऊपर भी फोकस करना। इट इज अ स्टाइल ऑफ अ लीडरशिप विच लीडर सिक्योर्स द कंप्लायंस ऑफ द फॉलोअर्स टू रिवॉर्ड एज वेल एज पनिशमेंट। जहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशनल थ्योरी पर पनिशमेंट की बात नहीं आती थी, मगर यहाँ पर देखिए रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट दोनों है एक साथ। ठीक है, हेयर लीडर सेट गोल्स, यहाँ पर लीडर ही गोल सेट करती है, कम्युनिकेट करती है फॉलोअर्स के साथ व्हाट लीडर एक्सपेक्ट्स फ्रॉम देम एंड हाउ दे विल बी रिवॉर्डेड। मतलब यहाँ पर ये भी कम्युनिकेट करती है कि आप कैसे काम करोगे, कौन सी काम में आपको रिवॉर्ड मिलेगा और कौन सी काम में आपको पनिशमेंट मिलेगा। सो यहाँ पर रिवॉर्ड की भी बात होती है कि कैसे काम करना है जिसके थ्रू आपको रिवॉर्ड मिलेगी आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर। अब प्रोवाइड स्ट्रक्चर, यहाँ पर स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाता है, फीडबैक दिया जाता है हर एक टास्क में। क्लियर। अब देखो, जो ट्रांजैक्शनल लीडर्स होती है वो फोकस करती है इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ एस्टेब्लिश्ड रूटीन्स एंड प्रोसीड्योर्स। ठीक है, यहाँ पर कुछ रूटीन्स बना दिया जाता है, उस रूटीन्स के थ्रू वो क्या करेगा, खुद की काम को करेगा, यही फोकस रहती है। दे आर मोर कंसर्न रहती है फॉलोइंग एग्जिस्टिंग रूल्स। यहाँ पर जो भी रूल्स या फिर रूटीन बनाती है लीडर, उसके ऊपर फोकस करती है रादर देन विद मेकिंग चेंजेस। यहाँ पर जैसे कि ट्रांसफॉर्मेशनल पर चेंजेस के ऊपर फोकस किया जाता है, कुछ चेंजेस लेके आया जाए ऑर्गेनाइजेशन में, मगर यहाँ पर लीडर जो रूल्स बनाती है उसके ऊपर फोकस करती है, उतना ज्यादा चेंजेस के ऊपर फोकस नहीं करती। नेक्स्ट क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीडर्स। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, यहाँ पर रिवॉर्ड देना, पनिशमेंट देना फॉलोअर्स को। यहाँ पर
एक स्प्रिंग्स मोटिवेशन, ठीक है, जो एक इन स्प्रिंग होती है जो कि आपकी अंदर से आती है, जो कि हमारी ट्रांसफॉर्मेशनल पर था, मगर ट्रांजैक्शनल पर आप कुछ ग्रीडीनेस दिखा रहे हो कि आपको रिवॉर्ड मिलेगा। सो उस ग्रीडीनेस के थ्रू आप काम कर रहे हो, राइट, या फिर आप फियरनेस की वजह से कि हमें पनिशमेंट ना मिल जाए। सो यह क्या है, आपकी एक्सट्रीम मोटिवेशन है कि जो आपकी अंदर से नहीं आ रही, आपकी एक इंटरेस्ट के थ्रू आप वो काम नहीं कर रहे हो, आप रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट की वजह से कर रहे हो, दैट्स व्हाई इट इज अ एक्सट्रीम मोटिवेशन, ठीक है। दे एक्सेप्ट द गोल स्ट्रक्चर एंड द कल्चर ऑफ द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में हर एक गोल स्ट्रक्चर को समझते हुए वो हर एक डिसीजन लेते हैं। लीडर्स टेंड टू द डायरेक्टिव एंड एक्शन ओरिएंटेड। तो यहाँ पर लीडर कैसा है, डायरेक्टिव है एंड एक्शन ओरिएंटेड है। ट्रांजेक्शनल लीडर्स आर विलिंग टू वर्क विथ एग्जिस्टिंग सिस्टम। यहाँ पर लीडर्स की ये विलिंग रहती है कि वो जो भी सिस्टम्स है ऑर्गेनाइजेशन में, जो भी रूल्स है, उसके हिसाब से काम करें, जिसके थ्रू गोल को वो फुलफिल कर सकेंगे, ठीक है। ट्रांजेक्शनल जो लीडरशिप होती है वो प्रिलिमिनरली पैसिव होती है, ठीक है। क्यों पैसिव होती है, क्योंकि यहाँ पर लीडर तो एक्टिव रहती है, लीडर एक्शन ओरिएंटेड है, मगर जो फॉलोअर्स होती है ना वो पैसिव होती है, क्योंकि वो लीडर की बात सुनते हैं, खुद की क्रिएटिविटी यहाँ पर नहीं दिखाती है। ट्रांजेक्शनल लीडर में अडॉप्ट द कंटिजेंट रिवॉर्ड्स और जो कंटिजेंट पेनल्टीज है, इसके ऊपर बेस करके परफॉर्मेंस करती है सबोर्डिनेट्स। यहाँ पर अगर एग्जाम्पल्स की बात करेंगे तो दो एग्जाम्पल्स है, मैस्लो हायरार्की थ्योरी और है एम.सी. जर्ज एक्स एंड वाई थ्योरी, ठीक है। एक्स एंड वाई थ्योरी से भी क्वेश्चंस आती है, मैं इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगी। नेक्स्ट देखिए क्या है, अब हम लोग समझेंगे डिफरेंसेस बिटवीन ट्रांसफॉर्मेशनल एंड ट्रांजैक्शनल लीडरशिप। तो मैंने जब ट्रांजैक्शनल लीडरशिप में पढ़ा रही थी तो मैंने थोड़ा बहुत डिफरेंस बता दिया था आप लोगों को, मगर अभी हम लोग डिटेल्स में समझेंगे। जैसे कि रिएक्टिव थ्योरी अप्रोच, तो रिएक्टिव कौन होती है बताओ, ट्रांजैक्शनल। ट्रांसफॉर्मेशनल क्या होती है, प्रोएक्टिव होती है। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर अगर समझेंगे तो ट्रांजैक्शनल लीडर्स क्या होती है कि ऑर्गेनाइजेशन की कल्चर्स को देखती है कि कौन से रूल्स है, कौन से रेगुलेशंस है, ये सारी चीज को देखते हुए वो काम करती है। उनकी मानना है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन में रूल्स होती है उस हिसाब से काम करेंगे तो गोल्स को फुलफिल कर सकेंगे। मगर ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स पर क्या होती है कि चेंजेस को यहाँ पर ज्यादा फोकस किया जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस आए। नेक्स्ट होती है ऑब्जेक्टिव्स। अंडर ट्रांजैक्शनल लीडरशिप एम्प्लॉयज अचीव द ऑब्जेक्टिव्स विद एन एम टू गेट रिवॉर्ड एंड अवॉइड पनिशमेंट। यहाँ पर ट्रांजैक्शनल लीडरशिप पर जो एम्प्लॉयज होती है वो उनकी यही कोशिश रहती है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिवॉर्ड मिले, पनिशमेंट ना मिले, पनिशमेंट को अवॉइड करती है। मगर ट्रांसफॉर्मेशनल पर क्या होती है, वो लोग कमिटमेंट लेते हैं कि हमें सही काम करना है, पर कोई भी इम्पोज नहीं होती है, डायरेक्शन नहीं होती है लीडर की, वो खुद की इनर मोटिवेशन से, इंस्टिंक्ट मोटिवेशन से हर एक काम करती है, इंटरेस्ट वे से काम करती है, क्योंकि यहाँ पर लीडर हमेशा मोटिवेशन देते हैं, ठीक है, इंस्पायर करते हैं। तो देखो मोटिवेशन ऑफ द फॉलोअर्स, यहाँ पर ट्रांजैक्शनल जो लीडरशिप होती है वहाँ पर फॉलोअर्स बाय अपीयलिंग प्रीमिनियरली देयर सेल्फ इंटरेस्ट रादर देन इंटरेस्ट ऑफ द ग्रुप। मतलब खुद की इंटरेस्ट के ऊपर बेस करके ट्रांजैक्शनल लीडरशिप पर काम होती है। जैसे कि सेल्फ इंटरेस्ट की बोला गया कि मुझे वो रिवर्ट चाहिए, सो सेल्फ इंटरेस्ट हुआ ना। मगर अगर हम लोग ट्रांसफॉर्मेशनल पर देखेंगे तो वो इंटरेस्ट ऑफ द ग्रुप के हिसाब से काम करते हैं। इनोवेटिव आइडिया कहाँ पर आती है, हमारी ट्रांसफॉर्मेशनल पर आती है, मगर ट्रांजैक्शनल पर क्या क्रिएटिविटी आएगी, क्योंकि वहाँ पर सिस्टम्स है, वहाँ पर रूल्स है, उस रूल्स को मानना होगा, जो भी डिसीजन लेगा लीडर लेगा, क्योंकि लीडर एक्शन ओरिएंटेड है और फॉलोअर्स तो पैसिव है, तो वहाँ पर कोई क्रिएटिविटी नहीं आएगा, जो आएगा ट्रांसफॉर्मेशनल पर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट के इंडिविजुअल कंसिडरेशन, ये हमें सभी जानते हैं इंडिविजुअल कंसिडरेशन सिर्फ और सिर्फ हमारी ट्रांसफॉर्मेशनल पर होती है, क्योंकि यहाँ पर एम्प्लॉय की नीड, ऑर्गेनाइजेशनल की नीड सभी को देखा जाता है। मगर वेयर एज ट्रांजेक्शनल पर नीड्स क्या है, यहाँ पर तो सिर्फ सिस्टम को देखा जाता है, रूल्स को देखा जाता है, नीड्स को यहाँ पर कभी भी देखा ही नहीं जाता, ठीक है। मैनेजमेंट बाय एक्सपेक्टेशन, यहाँ पर जो ट्रांजेक्शनल लीडर्स होती है यहाँ पर पैसिव रोल प्ले करती है मैनेजमेंट पर, ठीक है।
वेयरएज ट्रांसफॉर्मेशनल पर एडॉप्ट किया जाता है एक्टिविटी को। तो स्टाइल ऑफ लीडर क्या है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टाइल ऑफ लीडरशिप। तो ट्रांजैक्शनल लीडर्स पर लेजी स्फीयर स्टाइल्स को फॉलो किया जाता है, ठीक है, वेयर लीडर्स अवॉइड द डिसीजन मेकिंग एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट द ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप पर क्या होती है, हम लोग जो लीडर होती है वो पार्टिसिपेट करती है, ठीक है, पार्टिसिपेट लीडरशिप स्टाइल है यहाँ पर इंस्पायर करती है सबोर्डिनेट्स को, यहाँ पर डिसीजन लेने के लिए सभी को एक्टिव रखती है, ठीक है। तो यही होती है स्टाइल ऑफ लीडरशिप। नेक्स्ट है टाइम हॉरिजोन। द ट्रांजैक्शनल लीडर्स कंसीडर द शॉर्ट टाइम हॉरिजोन। ट्रांजैक्शनल पर कुछ शॉर्ट टाइम मिलती है क्योंकि रूल्स होती है, इस टाइम पर ये काम करना है, उस टाइम पर वो काम करना है, तो शॉर्ट टाइम होती है। मगर अगर हम लोग ट्रांसफॉर्मेशनल को देखेंगे, जहाँ पर लॉन्ग टाइम हॉरिजोन होती है, जहाँ पर मोटिवेशन के साथ हर एक काम किया जाता है, तो यहाँ पर एक लॉन्ग टर्म गोल को सेटअप किया जाता है। प्रोफेशनल ग्रोथ ऑफ द एम्प्लॉय, यहाँ पर ट्रांजैक्शनल लीडर्स डू नॉट प्लेस द एम्फसाइज द पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ ऑफ द फॉलोअर्स। यहाँ पर उतना ज़्यादा फॉलोअर्स की ग्रोथ एंड प्रोफेशनलिटी के ऊपर इतना ज़्यादा एम्फसाइज नहीं किया जाता। मगर जो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स है, यहाँ पर हमेशा देखा जाता है कि प्रोफेशनल गोल्स क्या है, ठीक है, जो भी सबोर्डिनेट्स होती है उनकी ग्रोथ कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पर सबोर्डिनेट्स की नीड को देखा जाता है, इसीलिए प्रोफेशनल ग्रोथ को भी, यहाँ पर एम्प्लॉय का जो प्रोफेशनल ग्रोथ है उसके ऊपर भी फोकस किया जाता है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप पर। क्लियर। तो लर्नर्स, यहीं पर ख़त्म होती है हमारी ट्रांसफॉर्मेशनल एंड ट्रांजैक्शनल लीडरशिप थ्योरी। अगर लेसन अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो न्यू सब्सक्राइबर्स है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोग जितना जल्दी सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे, उतना ही जल्दी आप लोगों को न्यू न्यू वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। तो ऑलवेज शेयर नॉलेज एंड बी हैप्पी। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। बाय बाय।